ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मेजरमेंट करने के लिए आपको दो चीज की ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर टू फिंगर टेस्ट करना होगा। एक चीज आपने बड़ा सुना होगा हैंड डिटेक्शन, ये काम करता है कि नहीं करता है, चलो वो भी चेक कर ही लेते हैं। यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ देख सकते हो ये फूल रहा है, अच्छा खासा हवा भर गई इसके अंदर। फाइनली दोस्तों ये बॉक्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा क्लियर। चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और फॉर द सिक्योरिटी रीजन ये सब ब्लर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बॉक्स है और इसको मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया था। वैसे अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करना। तो बॉक्स खोलते ही ये बिल है, तो इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद यहाँ अगर आप देखो तो एगारो की तरफ से आता है डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। तो ये बॉक्स है, बॉक्स ऊपर में सारा कुछ मेंशन है। तो ये डुअल यूजर मेमोरी इसके अंदर आती है, 120 प्लस 120। बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह दी है। वैसे अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, डिटेल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे यूज करना है, क्या ये एक्यूरेट है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि ये यूज किया हुआ तो नहीं ना है। फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि यूज किया हुआ है, यहाँ पर टेप लगी हुई है यहाँ पर, तो इसलिए ये यूज किया हुआ तो नहीं लग रहा। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल, क्योंकि जो प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर रिटर्न आते हैं उन्हीं को दोबारा सेल किया जा रहा है, ये आजकल धांधली चल रही है। फिलहाल बॉक्स में कुछ नहीं है, यहाँ देख सकते हो। और ये कुछ इस तरह के बैग में आता है, बैग की क्वालिटी एक नज़र में अगर देखी जाए ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, हाँ ठीक है। ये चीज़ बढ़िया कि बैग मिल रहा है, ओके। ऊपर में ही बैटरी दिख गई, और ये ड्यूल मोड है, बैटरी प्लस पावर एडाप्टर, उससे भी चलेगा टाइप सी के पोर्ट से। तो ये बैटरी का कंपार्टमेंट निकल गया, आई थिंक गिरा है, गिर गया होगा। तो ये है, काफ़ी लार्ज स्क्रीन साइज देख सकते हो, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, और ये फर्स्ट हैंड है, यूज़ तो नहीं किया हुआ लग रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट स्टॉप बटन, सेट और मेमोरी। तो ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए इसको मैंने परचेस करा है, एगारो की तरफ से आता है, हालांकि ये ब्रांड एगारो का नहीं है, इसको इंपोर्ट किया गया है। चलिए सब कुछ अभी देखते हैं और क्या है। ये इसका कवर है, और ये है कफ, जो कि फुल साइज कफ है, ठीक है। यहाँ पर आप साइज देख पा रहे हो, तो 22 से 40 सेंटीमीटर, तो लगभग ये जो एक एडल्ट होते हैं उनको भी बराबर से ही आएगा, यहाँ देख सकते हो। बाकी एक्यूरेट कितना है वो सब भी चेक करेंगे, और सब कुछ पावर बैंक से भी चेक करेंगे, यूज कैसे करना। हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्तों, सही चीज पे अगर आप सही से यूज नहीं करोगे ना, तो वो आपको सही वैल्यू नहीं प्रोड देगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको जो बताते हैं कि किस तरीके से इसका यूज करना है, वो गलत तरीका बताते हैं। सही तरीका क्या है, कैसे इसको यूज करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि आप देख सकते हो और भी वीडियो, मैंने जितना सीखा या जाना इसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा एक्यूरेट सही बताऊंगा, ठीक है। तो ये कफ है, और पाइप का जो साइज है आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा है, लगभग हाफ मीटर के आसपास है। चलिए देखते हैं, बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी ठीक है, और इसको कैसे यूज करना है सब कुछ। तो यहां पर ये देख सकते हो कि ये आपके लिए भी आपका ये बेस्ट है। अब यही क्यों बेस्ट है मैं सब बताऊंगा। और दोस्तों इसमें हैंड मूवमेंट है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको परचेस करा है। एक चीज आपने बड़ा सुना होगा हैंड डिटेक्शन, ये काम करता है कि नहीं करता है, चलो वो भी चेक कर ही लेते हैं। फिलहाल देखो, सॉरी, तो ये देख सकते हो कि इसको मैं विदाउट हैंड में लिए इसको यूज करूंगा,
विदाउट पहने इसको, मतलब देखो यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ये फूल रहा है, प्रॉपर अच्छा खासा हवा भर गई इसके अंदर। तो यहाँ पर ये एरर आ गया, इट मीन्स कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि आपने हाथ में इसको पहना है कि नहीं पहना है। ये तो चलो क्लियर है कि ये डिटेक्ट कर रहा है, बाकी और फीचर भी है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये जितने भी बीपी मॉनिटर होते हैं ना, सब में लगभग सेम होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मॉडल है बीपी 801 एगारो की तरफ से आता है, इसमें ऑसिलोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि धमनी आधारित डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है। इसके बारे में और डिटेल जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो सही तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और वो दो चीज़ क्या है आपको केयरफुली यहाँ पे देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर टू फिंगर टेस्ट करना होगा, देन उसके बाद आपका जो ये कफ है इसको सही तरीके से लेना। अब टू फिंगर टेस्ट है क्या, कफ को इस तरीके से सही पोजिशन में ले आना है, और उसके बाद आपको इस तरह से आप चेक कर लेना कि आपकी जो ये कफ की पाइप है इस तरह से आप सीधी हो। और टू फिंगर टेस्ट ये है कि काफ को इतना टाइट मत करना दो उंगली आराम से जा ना सके, तो ये टेस्ट है। और मेजरमेंट सही आए, एक्यूरेट आए, उसके लिए आपका जो हाथ का पोजीशन है वो इस तरीके से एंगल पे होना चाहिए, ताकि जो आपका जो मेजरमेंट हो काफ से हाथ के करीब में हो। देन उसके बाद आपको दिखाते हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पर इस काफ पाइप को यहाँ पर इसमें डाल देते हैं, देन उसके बाद ये देख चीज़ का ध्यान देना पाइप कहीं से मुड़ी तुड़ी ना हो, मतलब मुड़ी हुई ना हो, ये चीज़ का ध्यान देना। देन उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Start measurement now. Pillar. Your diastolic blood pressure is 106 millimeter of mercury pillar. Your heart rate is 89 beats per minute. Measurement over. According to the World Health Organization standards, the measurement result is high. If your blood pressure stays high, please turn to your physician for help. Thanks for using. Wishing you good health. अगर आपको लगता है कि measurement सही नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट कम से कम 3 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा से फिर से मैनेजमेंट करना, तो जो ऑन एवरेज होगा वो आपको वहां पर शो करेगा अगर आपको डाउटफुल है। फिलहाल अगर आपने देखा है 177, तो ये मेरा आज जो बीपी हाई है पिछले कुछ दिनों से, इस वजह से यहाँ पर हाई शो कर रहा है। अगर दोबारा भी लूंगा तो भी इतना ही शो करेगा। तरीका क्या है कि आपको बस अपनी जो हाथ है उसको इस तरह से एकदम सीध में रखना है, और मुट्ठी को बांधना नहीं है, इस तरह से मुट्ठी जो है उसको बांधना नहीं है, एकदम खुला हुआ रखना है ऐसे, देन ये तभी आपका एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएगा। आई होप कि इसके बारे में मैंने जितनी बातें बताई होंगी क्या सही तरीका है इसको मेजर करने का वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना।